नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूँ मुस्कान। आज हम आए हैं मरीन ड्राइव और बात करने जो भी रूल्स जो भी चल रहे हैं और लोगों के मन में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। आजकल सुनने में आ रहा है कि नंबर प्लेट लोग चोरी करके अपना बाइक का किसी के बाइक का किसी का चोरी करके एक गाड़ी पे आया था कि बिना हेलमेट का चल रहा है, उस पर क्या कहिएगा? ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर आप लोग क्या कार्रवाई करिएगा? तो कार्रवाई हो ही ना रहा है। जब उनको रोका जाता है, रोकने के बाद जो है चेक किया जाता है तो चेक से पता चल जाता है, उसे पकड़े जाते हैं और जो कार्रवाई होना है उसको हम लोग करते हैं, छोड़ते थोड़े हैं। आजकल नया चल रहा है कि जैसे अभी घर से निकला आदमी एक कैमरा में फाइन कटा और जब तक घर जा रहा है तब तक फाइन ही कट रहा है, उस पर क्या कब काम होगा? कैमरा की बात है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उस पर कुछ काम होगा? हाँ, उसमें जो बड़े पदाधिकारी हैं वो देखेंगे। इस तरह का हो रहा है कि एक मतलब एक ही आदमी को एक दिन में दो दिन चलान कट जा रहा है, तो जो भी होगा वो लोग उनके यहाँ जाएंगे, बड़े पदाधिकारी के यहाँ जाएंगे और जा करके वहाँ पर अपना बताएंगे किस तरह की बात है। तो उसमें जो बचाव का रास्ता होगा वो उनको मदद किया जाएगा, बताया जाएगा, बचाया जाएगा, ये चीज़ है। मरीन ड्राइव का रूल्स रेगुलेशन कैसा चल रहा है अभी तक? तो ठीक ठाक है, पहले से बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि नगर निगम भी तत्पर है, हम लोग भी तत्पर हैं और जो भी पटना जिला से जो भी पदाधिकारी हैं जिनके अधीन मरीन ड्राइव आता है वो सारे लोग अपना काम बहुत मस्तैदी से कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। हाँ, उसमें कहीं बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। अब तो आप देख रहे हैं कि विदाउट हेलमेट लोग चलिए नहीं रहा है, मतलब हम समझते हैं कि 95% आदमी जो है हेलमेट लेके ही चल रहा है, बिल्कुल सुधार हो रहा है। डर से ही लेकिन लेके चल रहा है? हाँ, लेके चल रहा है, समझेगा ना। तो इसमें फाइन का डर है? हाँ, फाइन का बिल्कुल डर है। जैसे हम लोग देखिए कि आप महिलाओं को अगर देखते हैं या बुजुर्ग को देखते हैं तो आप छोड़ देते हैं समझा के? हाँ, जैसे कि सीनियर सिटीजन है या कोई बीमार महिला है और उसको पता नहीं है वो चला आया, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको समझा देना है, बता देना है कि आइंदा ऐसा गलती ना करें। अगर सक्षम नहीं है आप मोटरसाइकिल पर चलने के लिए तो आप ऑटो टोटो से चलिए, इस तरह से मत चलिए, क्योंकि हर हमेशा एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है और अक्सर हम लोग रोड पर से किसी को उठाते रहते हैं। मतलब समझाने का काम भी हो रहा है सब देखते हुए? जी, बताते हैं हम लोग बताते हैं। तो ये था जो जो डाउट्स हैं अभी उस पर काम हो रहा है, जो फाइन लगातार कटते आ रहे हैं उस पर भी काम हो रहा है। अभी बात अभी क्लियर नहीं हुआ है फिगर कि क्या वो फाइन देने होंगे या नहीं देने होंगे या खुद रिजेक्ट हो जाएंगे, अभी उस पर चल रही है। और यहाँ पे अभी चलान मिल ही नहीं रहा है पुलिस वालों को, चलान काटने को मिल नहीं रहा है, ना के बराबर चलान काटने को मिल रहा है। जो एक तरफ से सुधार है, लोग डर से ही कर रहे हैं लेकिन हेलमेट लेके चल रहे हैं, लाइसेंस लेके चल रहे हैं और जो भी पेपर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के अपने व्हीकल के सब लेके चल रहे हैं। आप भी सेफ रहिए, हर चीज़ को लेकर चलिए, जो जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। तब तक के लिए सीडी पोस्ट देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।